हाय फ्रेंड्स, सीक्रेट टेक्नीशियन सर्किट में आपका स्वागत है। तो आज मेरे पास TG113 ब्लूटूथ स्पीकर आया है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका फॉल्ट क्या है, तो हम जब इसको चार्ज में लगाते हैं तो यहाँ पर रेड लाइट चलता है, ठीक है। तो रेड लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं। इसको हम लगाते हैं चार्जिंग से, ये देखिए कोई भी लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है। तो ये दूसरे मैकेनिक के पास गया था, तो उसने ये पिन को लगाया था, ठीक है। इस पिन को लगाया था, फिर भी यहाँ पर रेड लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है। तो आज इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले इसको खोलते हैं। तो इसको मैंने खोला है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो जम्पर किया है इसने, ठीक है। दो जम्पर किया है यहाँ पर। चलिए हम इसको खोल लेते हैं, तब देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से कनेक्शन किया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इसका रेड लाइट क्यों नहीं जल रहा मैं आपको बताता हूँ। इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड को तो यहाँ पर उसने ग्राउंड पर दिया है, ठीक है। जो कि ये जो माइनस है, ठीक है, इस माइनस को तो वहाँ पर, यहाँ पर इसने दिया है, ठीक ही दिया है। लेकिन इसका जो प्लस है, ठीक है, इसके प्लस को इसने डायरेक्ट बैटरी के प्लस से जोड़ दिया है, ठीक है। इसलिए हमारा ये चार्जिंग इंडिकेटर नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये प्लस देना चाहिए था यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि डायोड लगा हुआ है। इस डायोड के इस साइड पे उसको देना था, ठीक है। यहाँ पर डायोड के एनोड पॉइंट पे उसको देना था, ठीक है। ये एनोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर एनोड पॉइंट पर देना था, तो उसने यहाँ पर ना देखे उसने डायरेक्ट बैटरी के प्लस से दिया है, जो कि बैटरी का कनेक्टर है यहाँ पर, तो इसलिए नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर देखे रखते हैं। तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। तो अभी इसको हम चार्ज में लगा के देखते हैं, ठीक है, ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये चलने लगा, ठीक है। अभी इसका इंडिकेटर चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, मतलब इसका कनेक्शन ही गलत किया था, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे उसने ला कर सोल्ड कर दिया था। तो उससे क्या होता है, इसका जो बैटरी था ना फ्रेंड्स, वो भी ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो हमें उसका बैटरी भी चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसा करने से बैटरी ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ तो हमें चार्जर तो देता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से कॉर्ड दे देता है, तो उससे हम किसी भी चार्जर पर लगा कर चार्ज करते हैं। तो अभी के टाइम से जो चार्जर आ रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, 10 वाट का होता है, 18 वाट का होता भी होता है, और भी कई सारे ज़्यादा ज़्यादा वाट का होता है, ठीक है। तो हम उससे चार्ज करते हैं, तो उससे चार्ज करने से क्या होता है, मतलब बैटरी ज़्यादा ख़राब होने का चांस रहता है, क्योंकि उस चार्जर में वाट ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा वाट चार्जर के कारण हमारा बैटरी ख़राब होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डायोड पर दिया है, तो डायोड पर देने से क्या होगा, अभी जितना वाट के चार्जर पर लगाने से भी ना बैटरी हमारा ख़राब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डायोड किस लिए लगाया जाता है, ताकि बैटरी को एकदम परफेक्ट चार्ज पहुंचाने के लिए, ठीक है। बैटरी को जितना चार्ज चाहिए उतना ही पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए डायोड को लगाया जाता है। अगर हम डायरेक्ट दे देंगे तो पूरा डायरेक्ट वोल्ट उसको मिलेगा, ठीक है। और अभी बैटरी को पूरा परफेक्ट चार्ज मिलेगा, ठीक है। और डायोड लगाने से क्या होता है, रिवर्स चार्जिंग भी नहीं आता है, ठीक है। मतलब यहाँ का चार्ज उस तरफ नहीं जाएगा, ट्रिप इस तरफ ही आएगा, चार्ज रिवर्स उस तरफ नहीं जाएगा। तो आप भी कभी कनेक्शन करें इस पिन का, तो आप भी प्लस पॉइंट इस डायोड के एनोड पे दीजिए, ठीक है, और माइनस यहाँ सब ग्राउंड कर दीजिए, ये भी एक तरह का माइनस है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी कनेक्शन कीजिए, बैटरी का भी कुछ होगा नहीं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर चल रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूँ
तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।